मैंने अल्ताफ़ साहब से जो इख्तिलाफ़ किया था वो भी इसी बुनियाद पे किया था और मेरा उसूल ही इख्तिलाफ़ था। और मैं अगर हुकूमत के लोग बात करते हैं तो मैंने उनको भी समझाया है कि यार इलाकाई शनाख्त जो है वो उससे आप क्यों परेशान होते हो, और अगर इलाकाई शनाख्त आपको लगता है कि ये गलत है, देखिए ये लगे कि आफाक गलत है तो समझ में आता है, ये लगे कि अल्ताफ़ गलत है समझ में आता है, लेकिन अगर आप ये कहें कि ये महाज लफ्ज़ काबिल कबूल नहीं है तो ज़ाहिर है कि मुझे ये एहसास पैदा होता है कि पंजाबी का लफ्ज़ तुम्हारे लिए काबिल कबूल कैसे हो सकता है, सिंधी का लफ्ज़ तुम्हारे लिए काबिल कबूल कैसे हो सकता है, बलोची का लफ्ज़ तुम्हारे लिए काबिल कबूल कैसे हो सकता है। और अगर ये सब चीज़ें यानी लसानियत या इलाकाई नाम बुरा है तो मैंने कहा था कि ये वन यूनिट आप बना दो, आपने ये वन यूनिट ख़त्म किया मशरक़ी पाकिस्तान के अलग होने के बाद, आप वन यूनिट दोबारा से बहाल कर दीजिए, आप यहाँ पर सूबे ख़त्म कर दीजिए, इलाकाई ज़बानों को जो आप मतलब खुद तरक्की दे रहे होते हैं ख़त्म कर दीजिए, आप हम भी अपनी बात करना ख़त्म कर देंगे।